हेलो एवरीवन, बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें हम एकदम माइन्यूट डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे ईटीएस वर्क करता है और कैसे ये एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये जो लेक्चर है ये हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट का फोर्थ लेक्चर है। हमने ऑलरेडी तीन लेक्चर्स में बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल कंप्लीट किया है, तो ये हमारे पास फोर्थ लेक्चर है। आप बाकी के तीन लेक्चर्स भी देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और एक बात, आपको ये लेक्चर समझ आए, एनसीईआरटी की डिटेल से आप इसे मैच कर सकें, तो इस लेक्चर को जरूर लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जिसे इन शॉर्ट हम लोग लिखते हैं ईटीएस। ओके, सबसे पहले ईटीएस की हम बात करते हैं, लोकेशन क्या है, पर उससे पहले हम पढ़ते हैं इसका पर्पस क्या है। ईटीएस हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, मीन्स ये हमारे लिए क्या रोल परफॉर्म करता है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसकी इनर मेम्ब्रेन पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे रहते हैं, क्लियर। उससे पहले आप जरा ये जानिए कि हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें जो ग्लूकोज है हमारे पास वो कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। अब एक चीज समझिए, ग्लूकोज कन्वर्ट ना बोल के मैं कहूंगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है पाइरूवेट में। उस ऑक्सीडेशन के दौरान या उस ड्यूरिंग दैट ऑक्सीडेशन हमारे पास एक कंपाउंड बनता है NADH, क्लियर। इसका मतलब NADH वो कंपाउंड है जो ग्लूकोज से पाइरूवेट के ऑक्सीडेशन के टाइम पर बना है। नाउ दिस NADH हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्लूकोज इसके पास है, क्लियर। सिमिलरली जब पाइरूवेट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो वो लिंक रिएक्शन में जाता है, उसके बाद हमारे पास क्रैब साइकिल होती है। इन सब में हमारे पास एक कॉमन प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कह सकते हैं NADH बनता है, एक कॉमन प्रोडक्ट बनता है NADH। अब जरा आप सोचिए कि हो क्या रहा है, इन दोनों में हमारे पास NADH बन रहा है। अब ये जो NADH बना है, ये जो NADH बना है ये कहाँ ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, हमने ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करके पाइरूवेट बनाया और उसकी एनर्जी को या उसके इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर लिया NADH में। नाउ दिस NADH और लिंक रिएक्शन का NADH और क्रैब साइकिल का NADH ये जाकर ऑक्सीडाइज होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैरियर के पास, किस में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये NADH ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है NAD+ में। दिस मीन्स जो ETS हमारे पास इनर मेम्ब्रेन पर है, मतलब व्हाट इज ETS, इट इज एक्चुअल में सीक्वेंस होता है कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर का। नाउ व्हाट ETS डू, ETS NADH को, ये जो हम NADH लिख रहे हैं, जिसके हमारे पास तीन सोर्स है, एक है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा सोर्स हमारे पास लिंक रिएक्शन, एंड थर्ड सोर्स इज क्रैब साइकिल। इन तीनों सोर्स से बना हुआ हमारे पास NADH हमारे पास कहाँ जाता है, ETS में। वहां जाकर ये NADH ETS में जाकर कन्वर्ट होता है NAD+ में। तो NADH कन्वर्ट होता है किसमें, NAD+ में। NADH कन्वर्ट होता है किसमें, NAD+ में, क्लियर, NAD+ में। तो NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में, हम कहेंगे NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो what ETS do actually? ETS का purpose है NADH की ऑक्सीडेशन, NADH की ऑक्सीडेशन। Now, what actually it means? NADH की ऑक्सीडेशन से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम टैप करेंगे। टैप करने का मतलब क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हम टैप करके, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को टैप करके हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से H+ का ग्रेडियंट बनाएंगे। मीनिंग ये हुआ कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर H+ एक्यूमुलेट करेंगे और फिर उसको वापसी लाकर मैट्रिक्स में ATP बनाएंगे। तो एक बेसिक बात हो गई कि NADH का हम ऑक्सीडेशन करेंगे
हम NADH का ऑक्सीडेशन करेंगे, उस NADH के ऑक्सीडेशन से हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, H प्लस का ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से और उससे ATP सिंथेसिस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने एक बेसिक समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ETS की लोकेशन क्या है। जरा ये देखिए, ETS अगर हम देखें तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में ETS कहाँ हो रहा है? नाउ दिस इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, हमने लिखा है इसको आउटर मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे रहते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी? लोकेशन। तो मैंने क्या किया है, इतने पार्ट को जूम करके बनाया है, थोड़ा सा इतने पार्ट को लिया है और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया है और ये दिखाया है कि कैसे ETS एक्चुअल में काम करते हैं। नाउ आप क्लियर रखिए, इट इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, क्लियर? एंड दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास मैट्रिक्स है हमारे पास, क्लियर? अब देखिए जरा, नाउ दिस इज मैट्रिक्स, क्लियर? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन जो जूम करके हमने बनाया, ठीक है? नाउ दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब इस इनर मेम्ब्रेन पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे हुए। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है आपके सिलेबस में, आपको समझना है इन्हें। हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर को नाम देते हैं, हम कहते हैं इनका नाम कॉम्प्लेक्स है। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और उनके साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्लस प्रोटीन प्लस प्रोटीन, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नाउ व्हाट आर कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स आर बेसिकली ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, हो सकता है एक हो दो हो, उसके साथ कुछ प्रोटीन्स होती है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली जो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH के लिए इन्वॉल्व है या FADH2 के लिए इन्वॉल्व है, क्योंकि क्रैब साइकिल में हमारे पास एक FADH2 भी फॉर्म होता है NADH के अलावा। तो NADH एंड FADH2 बोथ गेट ऑक्सीडाइज इन ETS, ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे ETS में, क्लियर? तो उसके लिए हमारे पास ये इनर मेम्ब्रेन पर, नाउ दिस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन पर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, मैं इनके नाम लिख रहा हूं मैं। नाउ दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वन, इसका नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वन, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वन, ये कॉम्प्लेक्स वन है, क्लियर? नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स थ्री, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स फोर, क्लियर? यहां पर एक कंपाउंड है जिसका नाम है UQ, UQ की फुल फॉर्म है UBQ-non, UQ की फुल फॉर्म है हमारे पास UBQ-non। तो व्हाट इज UQ? UBQ-non, आप देखिए मैं लिख रहा हूं UBQ-non, क्लियर? UBQ-non। नाउ दिस UQ रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन, ओके। नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स टू। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इनको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? आइदर NADH और FADH2, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे पहले आपने ये समझना है, इस कॉम्प्लेक्स वन को इलेक्ट्रॉन देता है हमारे पास NADH और वो कन्वर्ट होता है NAD+ में। उसके अलावा H+ भी फ्री होगा, पर वो इलेक्ट्रॉन्स मुझे किसके पास मिल जाते हैं? कॉम्प्लेक्स वन के पास चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स वन से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं UBQ-non के पास, क्लियर? Similarly, now this is complex 2. This complex 2 receive electron from FADH2. ये किससे इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है? FADH2 से, और ये कन्वर्ट होता है किसमें? FAD। Now this complex 2 also give its electron to UBQ-non. इसका मतलब ये हुआ, UBQ-non दो जगह से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है कॉम्प्लेक्स 1 से एंड इट ऑल्सो टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2, क्लियर? Now, this complex one से जो इलेक्ट्रॉन UBQ-non के पास गया है वो पास ऑन होता है कॉम्प्लेक्स 3 को। नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स 3 विच रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम UBQ-non, दिस मॉलिक्यूल UBQ-non। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स 3 फर्दर पास इलेक्ट्रॉन टू अ इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम साइटोक्रोम सी है। NCERT लिखती है साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। नाउ मीनिंग ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब इट कैन मूव इन लिपिड बायलेयर। देखिए, हम अगर ऐसे लिपिड बायलेयर बनाते हैं तो दिस साइटोक्रोम सी कैन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और अक्रॉस मेम्ब्रेन मूव कर सकता है। नाउ दिस साइटोक्रोम सी
ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स फोर। तो हमारे पास ये चार कॉम्प्लेक्स आपने याद करने हैं, कॉम्प्लेक्स फोर। तो कॉम्प्लेक्स फोर को जो इलेक्ट्रॉन मिले वो इलेक्ट्रॉन आगे पास होते हैं हमारे पास, किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ फ्रॉम FADH2 एंड NADH इज बेसिकली ऑक्सीजन, विच कंबाइन विद 2H प्लस, और मैं यहाँ हाफ O2 लिख रहा हूं, इट फॉर्म H2O। नाउ दिस वाटर इज नोन एज मेटाबोलिक वाटर। जो रेस्पिरेशन में बना है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं हमारे पास, क्या लगा हुआ है? कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं मेम्ब्रेन पर। ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो लगे हुए हैं मेम्ब्रेन पर, जैसे कि दिस वन इज कॉम्प्लेक्स वन जो मेम्ब्रेन पर लगा हुआ है, उसके बाद यूबिक्यूनॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देन वी हैव कॉम्प्लेक्स थ्री जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया, क्लियर। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? साइटोक्रोम सी, एंड देन दिस इज कॉम्प्लेक्स फोर। अब एक चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग डाउनहिल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट डाउनहिल है। डाउनहिल का मतलब हो गया, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्लियर। और ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। अब जरा इनका क्या होगा वो हम समझेंगे, लेकिन हम जरा इसमें बेसिक बातें समझते हैं, इन कॉम्प्लेक्स में है क्या। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स वन है, दिस इज कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स वन में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है उसका नाम है FMN, क्लियर, FMN। नाउ दिस FMN क्या करता है बेटा, FMN क्या करेगा, ध्यान से देखिए इस चीज को, FMN क्या करेगा, FMN इलेक्ट्रॉन लेता है किससे? NADH से। इलेक्ट्रॉन लेता है किससे? NADH से, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NAD+ में। अब देखिए, NADH तो कन्वर्ट हो गया NAD+ में, FMN ने इलेक्ट्रॉन लेकर कंपाउंड बना दिया FMNH2। इसका मतलब उसने मैट्रिक्स में से 2H+ लिए, क्लियर, और कंपाउंड बना दिया FMNH2, क्लियर। अब ये देखिए, ये वापसी जब कन्वर्ट होगा FMN में, तो ये 2H+ यहां अंदर मूव कर जाएंगे, जिसे हम आउटर मैट्रिक्स या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह है, क्लियर। दिस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के जो स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हमने ये बोला, NADH ने इलेक्ट्रॉन दिए दिस FMN को, जिसने बनाया FMNH2। उसने इलेक्ट्रॉन कहां से लिए हैं? इलेक्ट्रॉन लिए है NADH से, और यहां से 2H+ लिया है, और उसने बना दिया FMNH2, और वो वापसी कन्वर्ट हो गया है किसमें? FMN में, और वहां से 2H+ ये अंदर चले गए, 2H+ यहां से अंदर चले गए, और ये वापसी इसने किसमें कन्वर्ट हो गया? FMN में, और यहां से इसने दो इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिए। जैसे FMNH2 अगर वापसी कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास किसमें, आप देखिए ध्यान से, वापसी कन्वर्ट हो रहा है FMN में, तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, वो मिले इसको आयरन सल्फर प्रोटीन को। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वन में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, FMN और FES। सिंस FMN क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ H+ को भी मूव कर रहा है, मतलब वो H+ को अंदर फेंक रहा है, तो FMN को हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कैरियर, इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कैरियर, क्लियर, और FES को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास करेगा आगे, और एक दो जो क्या पास करेगा, हाइड्रोजन पास करेगा। आप देखिए, नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स वन, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वन है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन कैरियर है FMN और FES। नाउ दिस FES ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्यूनॉन। यूबिक्यूनॉन क्या करेगा, यूबिक्यूनॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? FES से। दो इलेक्ट्रॉन लेगा FES से, और 2H+ यहां से उठाएगा मैट्रिक्स से, और वो क्या करेगा, उस 2H+ को अंदर पास ऑन कर देगा, और वापसी कन्वर्ट हो जाएगा यूबिक्यूनॉन में। तो यूक्यू को एनसीईआरटी लिखती है यूबिक्यूनॉन, और उसकी रिड्यूस फॉर्म को लिखती है यूबिक्यूनॉल, यूबिक्यूनॉल। अगर आप देख पाए, यूबिक्यूनॉल अल्कोहल है जो कीटोन से बन रहा होगा। तो 2H+ यहां से आए, और दो इलेक्ट्रॉन किससे आए? FES से। यूबिक्यूनॉन कन्वर्ट हो गया यूबिक्यूनॉल में, ऑल में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, जब ये वापसी ऑन में कन्वर्ट होगा, यूबिक्यूनॉन में कन्वर्ट होगा, तो 2H+ अंदर आ जाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, क्लियर। दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब देखिए, नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स थ्री।
इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वन से गए यूबिक्यूनॉन पे इलेक्ट्रॉन और फिर गए हमारे पास किस पे, कॉम्प्लेक्स थ्री पर। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स थ्री है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स थ्री। नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स थ्री। कॉम्प्लेक्स थ्री का एक और नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका इनिशियल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम बी है एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर इज साइटोक्रोम सी। पर इसमें साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी के बीच में, C1 के बीच में कुछ और इलेक्ट्रॉन कैरियर है जैसे FES और यूबिक्यूनॉन, क्योंकि यूबिक्यूनॉन जो हमारे पास है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, हाइड्रोजन कैरियर भी है। क्लियर, हाइड्रोजन कैरियर भी है। तो जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये वापसी इसमें आएगा। तो यहां से हम जब 2H+ यहां लाएंगे तो ये यूबिक्यूनॉन, दिस यूबिक्यूनॉन कन्वर्ट इनटू, दिस यूबिक्यूनॉन कन्वर्ट इनटू यूबिक्यूनॉल। जब ये वापसी कन्वर्ट होगा तो 2H+ अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर इस आउटर स्पेस में आ जाएंगे यहाँ पर 2H+, और इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा साइटोक्रोम C1 पे। तो साइटोक्रोम C1 और B और इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन कैरियर और है, FES और यूबिक्यूनॉन। अभी तक हमने 3 बार H+ को अंदर मूव कर लिया है, एक बार हमने FMN से मूव किया, एक बार यूबिक्यूनॉन जो कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में था, और एक बार यूबिक्यूनॉन जो कॉम्प्लेक्स 3 का पार्ट था। क्लियर, अब जाएंगे इलेक्ट्रॉन हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 पे, जिस पे दो इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। एनसीईआरटी लिखती है साइटोक्रोम A3 में कॉपर के दो सेंटर होते हैं, कॉपर के दो सेंटर होते हैं। तो साइटोक्रोम C को कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब है ये रन कर सकता है किसके बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में। तो हमारे पास ये चीज आ गई है साइटोक्रोम A3। दिस साइटोक्रोम A3 जो है ये हमारे पास फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको, फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा हाफ O2 प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से आए, और मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। इसका मतलब इट इज कॉम्प्लेक्स 4 जिसे हम साइटोक्रोम AA3 कह रहे हैं, जिसे हम साइटोक्रोम AA3 कह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको पास कर रहा है, ऑक्सीजन को। फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको पास कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन। तो यहां पर आपको समझ आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन लिया किससे, NADH से, फिर उसने पास किया यूबिक्यूनॉन को, फिर उसने पास किया यूबिक्यूनॉन से वो इलेक्ट्रॉन और यूबिक्यूनॉन पे गए, उसके बाद गए कॉम्प्लेक्स 3 पर, उसके बाद साइटोक्रोम सी के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 पे। क्लियर, और फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। साइनाइड हमारे पास यहां ब्लॉक करता है, साइनाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 और ऑक्सीजन के बीच में ब्लॉक करता है, ऑक्सीजन के बीच में ब्लॉक करता है साइनाइड जो है हमारे पास, साइनाइड जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 और ऑक्सीजन के बीच में ब्लॉक करता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पास नहीं होते। क्लियर, क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, इन कॉम्प्लेक्स की कुछ डिटेल और देखेंगे, लेकिन आपको एक चीज और समझ आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टू भी अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनॉन को देता है। पर हमें यह समझ आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, FADH2। अब जरा आप ये बात सोचिए, FADH2 देता है, ये FADH। अगर NADH अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दे रहा है, NADH अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दे रहा है, उसकी वजह से 3 बार H+ अंदर जा रहे हैं, 2-2 H+ 3 बार अंदर जा रहे हैं। लेकिन जब ये यूबिक्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उससे हमारे पास 2 बार H+ अंदर जाएंगे, एक ये और एक ये। इसीलिए FADH2 से हमारे पास दो ATP बनेंगे, और NADH से हमारे पास 3 ATP बनेंगे, बिकॉज NADH 3 बार H+ की मूवमेंट कराएगा 2H+ की। और जब ये 2H+ वापसी आएंगे, जब ये 2H+ इस मॉलिक्यूल के थ्रू वापसी आते हैं, जिसे हम F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं, इसके थ्रू वापसी जाते हैं, किसमें, इस मैट्रिक्स में वापसी आते हैं, कहां से, इस जगह से, दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जब वापसी आएंगे, किसके थ्रू, F0 चैनल है और F1 क्या है, हेड, इसके थ्रू आएंगे। तो ये हेड रोटेट करता है और इससे क्या बनता है हमारे पास,
एटीपेज, दिस कॉम्प्लेक्स 5 इज नोन एज एटीपी सिंथेटेज, तो ये हमारे पास एक्टिव हो जाएगा और एटीपी की सिंथेसिस होगी। क्लियर? अब जरा इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या, समराइज करते हैं चीजों को। नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 पे मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, वन इज FMN एंड अनदर इज FES। नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन कैरियर इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। क्लियर? इनको इलेक्ट्रॉन कौन देता है? NADH। क्लियर? NADH इनको इलेक्ट्रॉन देता है और वो कन्वर्ट होता है NAD+ में। कॉम्प्लेक्स 1 दो H+ अंदर मूव कराता है, ठीक है? यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम यूबिक्विनोन है। यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन कौन देता है? कॉम्प्लेक्स 1 पास ऑन करता है। यूबिक्विनोन भी दो H+ अंदर मूव कराता है और इलेक्ट्रॉन पास कर देता है कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 में चार इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, FES और यूबिक्विनोन। क्योंकि हम यहां पर FMN को, यूबिक्विनोन को और दिस यूबिक्विनोन को हाइड्रोजन कैरियर मान रहे हैं, तो यहाँ ये भी हमारे पास 2H+ को अंदर मूव करा देगा, 2H+ को अंदर मूव करा देगा। अब यहां पर टोटल 1, 2, 3 बार H+ अंदर गए, 2H+ जब वापसी जाएंगे, 2H+ जब वापसी जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स 5 से, तो हमारे पास ATP सिंथेसिस होती है। इस कॉम्प्लेक्स 5 से 2H+ वापसी जाते हैं, 2H+ वापसी जाते हैं कॉम्प्लेक्स 5 से, तो हमारे पास क्या होती है? ADP+ PI से हमारे पास क्या होती है? ATP सिंथेसिस होती है। और कॉम्प्लेक्स 5 से हमारे पास ये यहाँ मूव करते हैं, यहां मूव करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 5 से जब ये मूव करेंगे तो ATP सिंथेसिस होगी। अब देखिए ये कितनी बार H+ आए हैं? 3 बार। तो एक NADH से हमारे पास 3 ATP बन जाएगी, 3 ATP बन जाएगी, क्योंकि उतनी एनर्जी होती है कि वो 6H+ मूव करा सके। क्लियर? यूबिक्विनोन को यहां पर इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 2, तो कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन देता है और उसके बाद 2 बार H+, एक बार ये और एक बार ये मूव करते हैं। इसीलिए FADH2 से, क्योंकि FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन देता था, FADH2 से हमारे पास FAD बनेगा, तो हमारे पास 2 ATP बनेगी। क्लियर? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात सोचने की ये है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं बता रहा हूं आपको। नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 में हमारे पास है साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। नाउ दिस साइटोक्रोम A3 फाइनली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है। आप एक चीज समझिए, अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, तो मैं जो बात कहूंगा इसको ध्यान से सोचिएगा। कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम सी जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉम्प्लेक्स 4 को। तो अगर मैं इस चीज को बोलूं कि साइटोक्रोम सी जो है वो रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स 4, इसको मैं अगर रिवर्स बोलूं तो मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स 4 क्या कर रहा है, साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स 4 का जो नाम है वो इसी तरीके से हम रखते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देना मतलब उसे रिड्यूस कर रहा है। मैं इसको रिवर्स बोलूं, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 का एक और नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और आपके पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक करता है, तो साइनाइड ब्लॉक दिस एंजाइम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। क्लियर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा नीट में ऐसा, तो ये आप कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर मैं कॉम्प्लेक्स 3 का नाम देखूं, कॉम्प्लेक्स 3 का अगर मुझे नाम लिखना हो साइटोक्रोम के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा साइटोक्रोम सी को वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये देखिए दिस कॉम्प्लेक्स थ्री साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स या यूबिक्विनोन का एक और नाम होता है कोएंजाइम क्यू। और क्योंकि वो रिड्यूस फॉर्म होगी तो कोएंजाइम QH2, तो हम कॉम्प्लेक्स 3 का एक और नाम लिख सकते हैं कोएंजाइम QH2 ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, यूबिक्विनोन को कौन ऑक्सीडाइज करता है? कॉम्प्लेक्स 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं इसको देखूं, ये वाला जो है
कॉम्प्लेक्स वन जो है इसको NADH इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, NADH इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस इज अनदर नेम फॉर कॉम्प्लेक्स वन। क्लियर, ये कुछ स्पेसिफिक नेम है। अब मैं इसका भी नाम लिख सकता हूं, दिस कॉम्प्लेक्स टू को इलेक्ट्रॉन देता है FADH2 एंड FADH2 इस रिएक्शन में बनता है जिसमें हमारे पास सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। तो सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो FAD कन्वर्ट होता है किसमें, FADH2 में। ये आपके पास बायोमॉलिक्यूल में मेंशन है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर मेलोनेट होता है जो सक्सिनेट के साथ कंपीट करता है। तो दिस FADH2 किस पे जाता है, कॉम्प्लेक्स टू पर। तो मैं इसका नाम लिख सकता हूं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, किसका, कॉम्प्लेक्स टू का। ये कुछ स्पेसिफिक नाम है जो आपको आने चाहिए, पर एक बेसिक आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स कर क्या रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसको, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसको, NADH को। मींस ये कॉम्प्लेक्स NADH और FADH2 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। आप एक चीज समझिए, इनको मैं कह रहा हूं कि सारे फाइनली ये अब ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इन्हें मैं कह सकता हूं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन का मतलब अगर आप ध्यान से देखें, ग्लूकोज से हमने पाइरुवेट बनाया ऑक्सीडेशन से, उसके बाद मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन करी है, सबसे लास्ट में जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बने हैं NADH और FADH2 हम उनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अगर आप एक सीक्वेंस देखें, FMN से इलेक्ट्रॉन जाता है FES में, दैट इज कॉम्प्लेक्स वन, देन इट गोज टू यूबिक्विनोन जो भी एक हाइड्रोजन कैरियर है। अगर मैं हाइड्रोजन कैरियर पे स्टार लगाऊं तो एक ये है एक ये है, उसके बाद नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम V, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स 4। क्लियर, कॉम्प्लेक्स 4 जिसमें कोई भी हाइड्रोजन कैरियर नहीं है। साइटोक्रोम 3 में दो कॉपर सेंटर होते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक नॉलेज हो गई ETS की, पर आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, दिस ETS विल नॉट बी फंक्शनल इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। तो ऑक्सीजन इज मेन लिमिटिंग फैक्टर, फॉर ETS। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि बिना ऑक्सीजन के ETS नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेंगे तो ये FMN किस फॉर्म में रह जाएगा, FMNH2, जिसे हम कहेंगे रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी किससे, NADH से। इसका मतलब ETS ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई कि ऑक्सीजन के बिना ETS नहीं चलेगी, तो ये एक लिंक बनाएगा अगले वाले टॉपिक में जहां पर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसको पढ़ने के बाद अगर आपको समझ आए NCERT में, तो उसने इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम सी को बताया है। ऑल्दो बहुत सारी बुक्स में यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी दोनों मेंशन है। क्लियर, ठीक है। अगर आपको ये समझ आए कि मैंने जो बताया वो कैसे लिंक है, उस चीज को आप समझ सकते हैं। और NCERT में एक पुराना डायग्राम है जो बेटर है, जो अभी चेंज करके कलरफुल आया उससे ज्यादा बेटर है पुराना डायग्राम, जो इसको रिलेट कर पाएगा। क्लियर, उससे ज्यादा रिलेट होगा ये राइटअप, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये सारा समझ आए, NCERT से आप रिलेट कर सकें, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उन्हें भी ETS की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में तैयार रहिए, उसके लिए पढ़ने वाले हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो इसके साथ हम एंड करते हैं ये सेशन और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, वहां पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को।